वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000 के बाइंग गाइड के बारे में डिस्कशन किया था। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस किस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर को परचेज करने से पहले, वो भी तब जब आप 15,000 के प्राइस रेंज में अपने लिए बेस्ट रेफ्रिजरेटर परचेज करने जा रहे हैं। दोस्तों, बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें आपको मैं टोटल 5 रेफ्रिजरेटर के बारे में बताने वाला हूं जो 15,000 के प्राइस रेंज में आते हैं। आज उसी कड़ी में मैं आपके साथ LG के 185 लीटर 3-स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। LG के 185 लीटर 3-स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, तब इस रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रिज जो है वो 169 लीटर का मिलेगा और फ्रीजर आपको 16 लीटर का मिलेगा। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 185 लीटर का टोटल रेफ्रिजरेटर देखने को मिलता है। दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर 2 से 3 लोगों के फैमिली मेंबर के लिए बेस्ट है। अगर आपके घर में भी 2 से 3 फैमिली मेंबर रह रहे हैं तो आपको भी इस रेफ्रिजरेटर को अपने लिए जरूर कंसीडर करना चाहिए। LG के इस रेफ्रिजरेटर में कन्वेंशनल कंप्रेसर का यूज किया गया है, जो अनमैच्ड परफॉर्मेंस के साथ बहुत साइलेंटली वर्क करता है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो इन्वर्टर कंप्रेसर की तुलना में बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं जिसमें आपको इन्वर्टर कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा ही करेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। LG के इस रेफ्रिजरेटर में टफ एंड ग्लास सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। टफ एंड ग्लास सेल्स जो होता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, जिसपे आप 175 kg का मैक्सिमम वेट रख सकते हैं। जब आप रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि स्लेब्स जो दिया हुआ होता है, जिसपे आप बर्तन को रखते हैं, जिसपे आप अपने घर के किचन के सामान को रखते हैं, वो जो बना हुआ था वो टफ एंड ग्लास का बना होता है, जो काफ़ी हैवी क्वालिटी का होता है। इसमें आपको टोटल 2 सेल्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा LG के इस रेफ्रिजरेटर में मॉइस एंड फ्रेश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये एक वेजिटेबल बॉक्स के रूप में जाना जाता है। आप जब रेफ्रिजरेटर को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए एक अलग सा बॉक्स दिया गया है। इसे ही मॉइस्ट एंड फ्रेश टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसे टेक्नोलॉजी का नाम इसीलिए दिया गया है कि इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो एक ट्रे दिया होता है, और ट्रे के ऊपर छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से मॉइस्चर को मेंटेन करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिससे आपका वेजिटेबल जो है सो लंबे समय तक फ्रेश रहता है। ये बहुत अच्छी बात है, और ये सभी रेफ्रिजरेटर में ऐसा फीचर दिया जाता है। बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000 के प्राइस रेंज में आज मैं आपके साथ LG के 185 लीटर 3-स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जब मैं आपके साथ इस रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो आइस को मेकिंग करने का फैसिलिटी जो दिया गया है वो बहुत बेहतरीन है। दोस्तों, आप 108 मिनट में, यानी कि 108 मिनट में आप आइस को बना सकते हैं। ये आइस जो होगा वो उतना हैवी नहीं होगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर होगा कि आप उससे अपना काम को चला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 15,000 के प्राइस रेंज में भी आपको 108 मिनट में आइस बनाने का फीचर दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल डोर गैस्केट का इस्तेमाल किया गया है, जो लंबे समय तक फ्रेशनेस को मेंटेन रखता है और बैक्टीरिया और डस्ट को फ्रिज के अंदर, यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर इंटर करने से रोकता है, जिस वजह से आपका भोजन लंबे समय तक हाइजीन रहता है। और ये आपका भोजन जो आप देखते हैं कि बहुत आज का भोजन बनाया हुआ आप कल यूज करते हैं, कल का बनाया हुआ काफ़ी देर तक यूज करते हैं, तो ये इसी वजह से संभव हो पाता है। दोस्तों, बहुत से जगह पे रैट की समस्याएं होती है, यानी कि चूहा जो है सो फ्रिज के अंदर ना घुस जाए, इसीलिए LG के इस रेफ्रिजरेटर के अंदर एंटी रैट बाइट दिया गया है। होता यह है कि आप जब रेफ्रिजरेटर के पीछे वाले भाग में देखेंगे तो उसमें एक जालीनुमा दिया जाता है, जिस वजह से रैट उसमें इंटर नहीं करता। हालांकि मैं इस बात का प्रेफर करता हूं कि जब भी आप कोई रेफ्रिजरेटर परचेज करें तो उसका बैक, यानी कि रेफ्रिजरेटर का पीछे का भाग सेफ क्लीन हो। उसमें जालीनुमा देगा भी अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा चूहा है। आजकल के चूहे इतने शरारती होते हैं कि उसे भी काट करके अंदर घुस जाएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा चूहा है तो आप
सेफ क्लीन रेफ्रिजरेटर को कंसीडर कीजिए अपने लिए। इस रेफ्रिजरेटर में लार्ज वेजिटेबल बास्केट दिया गया है जो बहुत अच्छे से वेजिटेबल को स्टोर करने में काम आता है, और ये अच्छी बात है। दोस्तों एलजी के 185 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का वेट 34 kg है और इसमें डिफ्रॉस्ट सिस्टम जो दिया गया है वो डायरेक्ट कूल है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन दिया गया है, और मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन रहता है और बहुत ज़्यादा आपके एरिया में लाइट कट की समस्याएं बनी रहती है, जिस वजह से आपको लगता है कि आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो जाएगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करता हूं कि आप अपने लिए एक अच्छा स्टेबलाइजर को परचेज कीजिए जो आपके रेफ्रिजरेटर को अच्छे से सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका कंप्रेसर खराब हो जाएगा, और अगर आपके रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर खराब हो गया तो आपका रेफ्रिजरेटर किसी काम का नहीं है। एलजी के इस रेफ्रिजरेटर को परचेज करने पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 ईयर्स की वारंटी आपको इसके कॉम्प्रेसर में मिलता है। तो दोस्तों आपको मैंने एलजी के 185 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया। इस रेफ्रिजरेटर के हर एक फीचर के बारे में आपको मैंने डिटेल से बताया और समझाया कि किस फीचर का क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अब मैं आपको इस रेफ्रिजरेटर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों इसमें आपको जो 1500 के प्राइस रेंज में रेफ्रिजरेटर आते हैं वो सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, और ये बहुत अच्छे कैपेसिटी के साथ आने वाला रेफ्रिजरेटर है जिसमें आइस जो है वो 108 मिनट यानी कि 108 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों 15,000 के प्राइस रेंज में इतने कम समय में आइस बनने वाला रेफ्रिजरेटर बहुत कम मिलते हैं, उनमें से ये एक है। मुझे जो अच्छा लगा कि इसके डोर गैस्केट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बात है, और ये इसका एक प्रोज भी है। वहीं पे अगर इसके कॉन की बात करें तो इसमें फ्रीजर का जो कैपेसिटी है मुझे थोड़ा सा कम लगा, हालांकि ये आपके लिए मायने हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो ऐसा लगा कि इसमें फ्रीजर की जो कैपेसिटी है थोड़ा सा लो है, थोड़ा और इसको मेंटेन करना चाहिए था तो अच्छा होता। इसके अलावा इसमें नन इन्वर्टर कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया जो एक और कॉन है, क्योंकि ये पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करता है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में यानी कि बाइंग गाइड में बताया था कि नन इन्वर्टर कंप्रेसर कैसे काम करता है, अगर आपको वो जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि ये नन इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर है तो ये आपका पावर कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। इसके अलावा इसमें सेफ बैक क्लीन नहीं दिया गया, सेफ बैक क्लीन नहीं देने की वजह से इसमें चूहे के घुसने की समस्याएं बनी रहेगी। अगर आपके एरिया में चूहे की समस्या है तो आप सेफ क्लीन बैक वाला ही रेफ्रिजरेटर को कंसीडर कीजिएगा, ये मैं आपको हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूँ। पर जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि आप कोई भी रेफ्रिजरेटर खरीदिए, किसी भी ब्रांड का रेफ्रिजरेटर खरीदिए, चाहे ऑनलाइन खरीदिए चाहे ऑफलाइन खरीदिए, एक बार अपने लोकल सिटी में या अपने एरिया में उसके सर्विस सेंटर को जरूर चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर आपका रेफ्रिजरेटर खराब होता है और आपके एरिया में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा तो आपको भारी भरकम रकम चुकाना पड़ेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और ये कंडीशन आपको मैं सिर्फ एलजी के रेफ्रिजरेटर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे रेफ्रिजरेटर के बारे में कह रहा हूँ कि अगर आप जब भी कोई प्रोडक्ट को परचेज करें तो उसका सर्विस सेंटर अपने एरिया में जरूर चेक कीजिए। और हाँ, अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने लिए परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके इसके प्राइस को चेक भी कर सकते हैं और अपने लिए इसे कंसिडर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।